स्टूडेंट्स, ये ऑड टू ऑटम का पार्ट टू है। इसमें हम स्टैंजा वन लिटरल और एक्सटेंडेड मीनिंग के साथ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। इसमें अकेक वर्ड्स का भी अच्छा कलेक्शन मिलेगा, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहला स्टैंजा शुरू होता है सीजन ऑफ मिस्ट एंड मैलो फ्रूटफुलनेस। पोट कहते हैं ऑटम मिस्ट और मैलो फ्रूटफुलनेस, यानी धुंध और कोहरे से घिरा हुआ सीजन है। इस सीजन में पेड़ पौधे मीठे फलों से लदे होते हैं। वहीं सेकंड लाइन लिखते हैं और पोएट कहते हैं क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैचरिंग सन। यह सीजन क्लोज बॉसम फ्रेंड अर्थात जिगरी दोस्त है उस मैचरिंग सन का, उस बढ़ते हुए सूरज का, उस नए नवेले सूरज का। थर्ड लाइन में लिखते हैं ऑथर कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस। अब ये दोनों दोस्त यहाँ पे प्लान बना रहे हैं, एक साथ मिलके प्लान बना रहे हैं। प्लान ये है कि पेड़ पौधों को कैसे लोड करना है, ठीक है। हालांकि इस पोएम में ऑथर कई जगह पे पर्सोनिफिकेशन का यूज किए हैं। अब पर्सोनिफिकेशन ही नहीं, और भी बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया गया है, जो इस पोएम के एंड में सभी लिटरेरी डिवाइसेस को एक साथ कलेक्ट करके एक्सप्लेन किया जाएगा। फोर्थ लाइन में ऑथर लिखते हैं विद फ्रूट्स द वाइन्स दैट राउंड द थैच्ड ईव्स रन। यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि प्लानिंग हमारी हो रही है कि पेड़ पौधों को कैसे लोड करना है, तो लोड कैसे करना है वो बता रहे हैं कि पेड़ पौधों को फलों के साथ लोड करना है। उसके साथ साथ वो लताएं जो उस घास फूस के बने छप्पर पे फैले होते हैं, उन्हें भी हमें फलों से पूरा लोड कर देना है, पूरा भर देना है, चारों तरफ उनमें फल ही फल दिखाई दे। फिफ्थ लाइन में लिखते हैं ऑथर टू बेंट विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज। वो एप्पल ट्री जो उस काई से लिपटे हुए हैं, जो उस छोटे से कुटिया अर्थात घास फूस से बने हुए झोपड़ी के पास लगे हुए हैं, उन्हें फलों से पूरा लोड कर देना है, हर तरफ से उन्हें भर देना है, इतना भरना है कि उसकी डालियां जमीन तक झुक जाए। ऐसे इनकी प्लानिंग चल रही है। स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने फर्स्ट स्टैंजा के फर्स्ट 5 लाइन्स को एक्सप्लेन किया। इस स्टैंजा के फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।